तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक बार फिर से कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स के साथ जिन्हें देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसानियत खत्म हो गई है तो ये वीडियो आपके अंदर इंसानियत की एक ऐसी आग जला देगी जिसके बाद आप कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। फिर चाहे भरी सभा में एक जज का अपने मुजरिम दोस्त को पहचानना हो या फिर रेसलिंग के मैच के दौरान अपने प्रतिद्वंदी को चोट लगने के बाद दूसरे रेसलर का उसे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाना हो। इन सब के अलावा भी वीडियो में आपको हैरान करने के लिए बहुत कुछ है, बस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना। रास्ते में भीड़ भाड़ देखकर इंसानों को थूकने वाले कई सारे नमूनों को आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही अजूबा देखने को मिला जब एम्बुलेंस एक काफी गंभीर समस्या से जूझ रहे मरीज को अस्पताल ले जा रही थी। तभी लोगों ने ये चीज देख ली और वो अपनी गाड़ी से उतरकर सामने रखे बैरियर्स को हटाने लगे ताकि एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे और इस मरीज की जान बचाई जा सके। जब इंसान किसी लेजेंडरी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को हराता है तो उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो जब जस्टिन गैटलिन ने उसेन बोल्ट को मात्र 1 इंच से हराया तो घमंड दिखाने के बजाय कैसे ये उसेन बोल्ट को झुककर सलाम करने लगे आप खुद ही देखिए। और उसेन बोल्ट का भी दिल कुछ कम बड़ा नहीं है, उन्होंने भी तुरंत गले लगाकर सभी को इनकी नेकी का एक और नमूना दिखा दिया। जैसे कोई मुसीबत में आता है तो लोग सब कुछ छोड़कर उस जगह से 9-2-11 हो जाते हैं ताकि उन्हें मदद न करनी पड़े, और खासकर ये चीज अपने खुद के रिश्तेदार करते हैं, लेकिन कई बार अनजान लोग फरिश्ते की तरह पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि बूढ़ी महिला अपने फूलों को पानी डाल रही थी तभी ये रेलिंग में इतनी बुरे तरीके से लटक गई कि अगर हल्का सा भी वजन इधर उधर होता तो ये बच ना पाती। तभी एक व्यक्ति इस महिला को बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से चढ़ता हुआ सेकंड फ्लोर तक पहुंचता है और अंत में इस महिला को पूरी तरह से सही सलामत बचा लेता है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित्त कर दें, खास करके रेसलिंग जैसे गेम में, लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा देखने को मिला। जब ये सफेद पोशाक वाला बंदा अचानक से इंजर्ड हो गया तो उसके प्रतिद्वंदी ने खुद उसे अपनी गोद में उठाकर मेडिकल रूम पहुंचाया। दोस्तों इस तरह के केस में भले ही लोग लड़ना बंद कर देते हों लेकिन ग्राउंड छोड़कर नहीं जाते, पर यहाँ तो इस नीली पोशाक वाले बंदे को अपनी जीत से ज्यादा जरूरी उस व्यक्ति की जान लगी, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने साथी को डॉक्टर के पास पहुंचाया, जो कि सच्ची इंसानियत का एक बहुत बड़ा नमूना है। दोस्तों कई बार जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। तभी तो जब एक क्रिमिनल के केस में सुनवाई हो रही थी उसी वक्त जज ने क्रिमिनल को पहचान लिया और ये बोला कि स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा हुआ करता था। अब अपने बचपन के किसी जानने वाले को इस हाल में मिलना किसी इंसान के लिए कितना ज्यादा शर्मनाक होगा वो आपको इस मुजरिम के रोने से पता चल रहा होगा। खैर जज ने बिना पक्षपात किए हुए मुजरिम के खिलाफ फैसला सुनाया और इसे जेल हो गई, लेकिन जेल जाने के बाद जज खुद एक दोस्त की तरह इस शख्स से मिलने गए और उसे समझा कर आए कि जिंदगी में जुर्म के अलावा बहुत कुछ है करने के लिए। अब इस पूरे केस को देखकर एक बात तो तय है कि बंदा अच्छा इंसान हो या ना हो, लेकिन ये महिला जज बहुत ही नेक दिल महिला जज है, क्योंकि जहां लोग इस तरह की चीजें करने वाले लोगों को जान कर भी अनजान कर देते हैं, वहीं इन्होंने सबके सामने इस आदमी को पहचाना और सबको इसके बारे में बताया भी। इस काम के लिए ना सिर्फ हिम्मत चाहिए बल्कि एक बड़ा दिल भी होना चाहिए। अब आप ये बात तो जानते होंगे इंसान के पास जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसकी अकड़ उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है, ऐसे में लोग अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। इसी वजह से जब लगातार गाड़ियां चली जा रही थी उसी बीच एक बूढ़ी महिला रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। अब ये गाड़ियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और रुक कर 2 मिनट इंतजार कर ले। तभी एक स्कूटी पर सवार लड़का आया और उसने रास्ता ब्लॉक करके गाड़ियों को वहीं रोक दिया ताकि बूढ़ी महिला रोड क्रॉस कर सके, जो कि वाकई में सच्ची इंसानियत है। बच्चा बड़ा हो या छोटा, माँ से दूर रहना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके तब जब माँ देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाली आर्मी ऑफिसर हो। ऐसे में जब स्कूल में चल रहे एक फंक्शन के दौरान बच्चे की माँ ड्यूटी करके वापस आई तो उन्होंने डायरेक्ट बच्ची के स्कूल पहुंचकर सरप्राइज दे दिया, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये न सिर्फ बच्ची बल्कि इसके आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी थी वो सब इस लम्हे को देखकर भावुक हो गई, जो ये दिखाता है आज भी लोग दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको दुनिया भर की तमाम हैरान करने वाली घटनाएं देखकर काफी मजा आया होगा। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।